हेलो, बूलियन एलजेब्रा के इस पार्ट फोर में आज हम पढ़ेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को सिद्ध करना, अर्थात उसका सिंप्लीफिकेशन करना और बूलियन एक्सप्रेशन का सिंबल डायग्राम क्रिएट करना। तो इन दो हेडिंग्स को आज हम इस बूलियन एलजेब्रा के पार्ट फोर में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं बूलियन व्यंजकों का सरलीकरण। इसमें इससे रिलेटेड कोई एक एक्सप्रेशन दिया होता है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, सिंप्लीफाई एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अर्थात हमें लेफ्ट साइड वाला पक्ष प्रूव करना है वन के इक्वल में। तो हम इसे प्रूव करते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन और ये हो गया राइट हैंड साइड वाला। तो हम लेफ्ट वाला पोर्शन लेते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पर एक्स का एक्स ही उत्तर आएगा, अर्थात ये इस प्रकार इक्वल एक्स प्लस वाई डैश हम निकाल लेंगे। वाई प्लस वाई डैश का मान होता है वन। अब ये वन कैसे आएगा, हमने बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम और प्रमेय में इन नियमों को देखा होगा। वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वन। देखिए कैसे होगा ये वन। तो y के लिए हम रखेंगे कंडीशन जीरो और एक, y डैश के लिए रखेंगे अर्थात y का पूरक, अर्थात एक का जीरो और जीरो का एक, और एक के लिए अर्थात हमें क्या निकालना है y प्लस वाई डैश। तो हम निकाल लेंगे y प्लस वाई डैश। अब y प्लस वाई डैश अर्थात इन दो कॉलम का, ये y और ये y डैश का कौन सा गेट है, चिन्ह कौन सा है, और गेट, अर्थात प्लस का साइन है, और गेट निकाल लेंगे। तो और गेट में एक कब आता है, जब कोई भी इनपुट एक हो। तो ये जीरो जीरो का आ जाएगा इसमें एक, और ये एक जीरो का आ जाएगा एक। इस पूरे कॉलम में क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट अर्थात एक एक आ रहा है। तो ये इसका हेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वन वाले कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, वन वन ही तो रखेंगे। या तो ऐसे ही इसी प्रकार अगर जीरो वाला कॉलम होता तो उसके लिए जीरो जीरो ही तो रखते। तो इस प्रकार वन वाले कॉलम में वन वन रखेंगे और जीरो वाले कॉलम में वन वन रखेंगे और जीरो जीरो रखेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या हुआ, यहाँ पर वाई प्लस वाई डैश बराबर वन, ये हमने ट्रुथ टेबल से प्रूव किया। तो y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y उतार देंगे हम। इसके बाद अब हम किसी एक को मर्ज कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के साथ, अर्थात x प्लस वन ले लें या फिर 1 प्लस y ले लें, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए x प्लस वन को हम अलग कर लेते हैं, अर्थात x प्लस वन को हम ग्रुप कर लेते हैं और प्लस y को अलग कर लेते हैं। तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, हमने नियम और प्रमेय में पढ़ा है x प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा वन। तो ये जाएगा वन प्लस वाई। ठीक, अब जिस प्रकार x प्लस वन इज इक्वल टू वन था, उसी प्रकार वन प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या y प्लस वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वन। तो इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड वाला अर्थात x प्लस वाई प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले अर्थात वन के इक्वल है। आगे चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है x प्लस वाई डैश x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x डैश इंटू वाई डैश। तो अब हमें इस पे लेफ्ट हैंड साइड वाले अर्थात x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई डैश। तो हमने बूलियन बीजगणित में डी मॉर्गन की थ्योरम पढ़ी है, इसमें क्या होता है x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू वाई डैश, अर्थात एक लॉजिकल योगफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम से x प्लस वाई का होल डैश क्या बन जाएगा, एक्स डैश इंटू वाई डैश। तो यहाँ पर यह आ जाएगा एक्स डैश इंटू वाई डैश, और ये वाई डैश को हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को y के साथ इंटू अर्थात एंड गेट निकाल लेंगे।
तो एक्स डैश उतार लिया हमने और वाई इंटू वाई डैश को हमने एक साथ लिख लिया, क्योंकि एक्स और वाई का कोई नियम नहीं है, वही साहचर्य नियम है या वो सॉरी क्रम विनिमेय नियम, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, तो वो एक ही चीज़ है। यहाँ पर हम वाई को वाई के साथ इसका डी मॉर्गन में स्वयं सिद्ध नियम में नियम और प्रमेय में इसका नियम दिया है कि वाई इंटू वाई बराबर वाई इंटू वाई बराबर वाई या एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स, तो वाई डैश इंटू वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई डैश। चलिए देखिए इसको, अगर हमें नियम या प्रमेय का आंसर ना पता हो कि इसका मीन्स क्या होगा या एक्स इंटू एक्स बराबर क्या होगा, तो हम उसे ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। हमें क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है एक्स, कंडीशन रखनी है 0 1, सेम दूसरा वेरिएबल इसी नाम से है 0 1। हमें क्या निकाल लेना है, हमें निकालना है एक्स इंटू एक्स, इंटू अर्थात एंड गेट, तो एंड गेट में ए कब आएगा जब दोनों इनपुट 1 हो, तो 0 0 का हो जाएगा 0 और 1 1 का हो जाएगा 1। इस प्रकार एक्स इंटू एक्स डैश वाले कॉलम का मान एक्स के कॉलम के मान से मेल खा रहा है, इस प्रकार एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स। इसी प्रकार वाई डैश इंटू वाई डैश, तो हम क्या कर लेंगे, वाई डैश इंटू वाई डैश बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा वाई के लिए हमने इनपुट रखा 0 और 1, वाई डैश निकाल लेंगे तो ये वाई का अपोजिट अर्थात 1 और 0। इसके बाद ये यहाँ पे 0, इसके बाद हम निकालेंगे वाई डैश एक और है, अर्थात 2 बार वाई डैश है, तो सेम यही वाई डैश उतर आएगा 1 और 0, सेम यही वाई डैश वाला कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, वाई डैश इंटू वाई डैश, अर्थात वाई डैश के जो दोनों कॉलम के मान हैं उसको हमें एंड गेट से कनेक्ट कर देना है। तो एंड गेट में एक कब आएगा जब दोनों इनपुट 1 स्टेट पे हो, तो 1 1 का अर्थात ये वाई डैश और ये वाई डैश इन दोनों कॉलम का, तो 1 1 का हो जाएगा 1 और 0 0 का हो जाएगा 0। इस कॉलम का मान वाई डैश वाले कॉलम के मान से मिल रहा है, इस प्रकार वाई डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश, वाई एक्स डैश का एक्स डैश उतर आया और वाई डैश इंटू वाई डैश बराबर हो गया वाई डैश। इस प्रकार राइट साइड वाला एक्स डैश इंटू वाई डैश ये प्रूफ हो गया। तीसरे सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं, एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई, किसको प्रूफ करना है, एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई को। तो एक्स का एक बार ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन उतार लिया, इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का एक बार ऐड एक्स डैश के साथ और एक्स का ऐड एक बार वाई के साथ, तो ये इस प्रकार बन जाएगा एक्स प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है, एक्स का एक बार एक्स डैश के साथ ऐड और एक्स का एक बार वाई के साथ ऐड, तो ये बन गया एक्स प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस एक्स डैश बराबर क्या होता है, एक्स प्लस एक्स डैश बराबर होता है यहाँ पर ये 1, जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, उसमें सिंप्लीफाई जो किया उसमें भी था। तो इस प्रकार एक्स प्लस एक्स डैश बराबर हो गया 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का ऐसा कोई नियम नहीं है, केवल एक्स प्लस वाई के लिए। अब एक्स प्लस वाई को हम एक वेरिएबल मान लें, एक्स प्लस वाई को अगर हम एक वेरिएबल मान लें तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, बात देखिए तब भी वही है, 1 इंटू एक्स तब भी ये नियम बनेगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, या एक्स प्लस वाई को हमने एक वेरिएबल मान लिया तो 1 इंटू एक्स तो भी एक्स आया। इस प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 इंटू कोष्ठक में एक्स प्लस वाई को यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, तो ये भी प्रूफ हुआ। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे,
इसे सिंप्लीफाई करना है x इंटू एक्स डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, अर्थात कोष्टक के बाहर जो x दिया है लेफ्ट हैंड साइड वाले पे उसका कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे x इंटू कोष्टक में x डैश प्लस वाई, क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स डैश प्लस एक्स इंटू वाई। तो x इंटू एक्स डैश क्या बन जाएगा, जीरो। x इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो और प्लस x इंटू वाई, अर्थात जीरो प्लस x इंटू वाई, क्लियर। अब जीरो प्लस x क्या हो जाएगा, जीरो प्लस x हो जाएगा x, जीरो प्लस x हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, इंटू वाई उतर आएगा और जीरो प्लस x का हो जाएगा x। इस प्रकार ये भी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन x इंटू एक्स डैश प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई प्रूव हुआ। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन a इंटू बी, कोष्टक के अंदर a डैश इंटू बी इंटू सी प्लस a इंटू बी डैश इंटू सी डैश प्लस a डैश इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो के। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अभी फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन हमने देखा क्या किया था, कोष्टक के बाहर जो वेरिएबल दिया है उसका कोष्टक के अंदर जो वेरिएबल दिए हैं उनसे मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी कर देना है। तो ये बन जाएगा ए बी ए डैश बी सी, पहले वाले में ए बी ए डैश बी सी और बीच में इंटू लगे हैं, तो ए इंटू बी इंटू ए डैश इंटू बी इंटू सी प्लस अगला क्या बन जाएगा, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई किससे, ए इंटू बी डैश सी डैश से। तो ये बन जाएगा ए बी डैश सी डैश प्लस तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी ए डैश बी इंटू सी, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसे अरेंज कर देंगे, अर्थात ए को ए डैश या जो भी है ए को ए के साथ और बी को बी के साथ लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा ए इंटू ए डैश बी इंटू बी इंटू सी। हमने यहाँ पर क्या किया है, केवल अरेंज किया है, अर्थात ए को ए के साथ लिख लिया है और बी को बी के साथ लिख लिया है। इस प्रकार ऐसे भी करेंगे, ए को ए के साथ लिख लेंगे और बी को बी डैश के साथ, सी अकेला है। इस प्रकार चलिए देखते हैं, तो ये सेकेंड नंबर बन जाएगा प्लस के साथ ए इंटू बी इंटू बी डैश इंटू सी डैश प्लस इसका हो जाएगा ए डैश इंटू बी इंटू बी इंटू सी। अब हमने नियम देखे हैं, तो ए इंटू ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा जीरो और बी इंटू बी वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड, तो ए इंटू ए बराबर हो जाएगा क्या, ए जैसा यहाँ मैंने बताया है ए इंटू ए बराबर ए, तो बी इंटू बी बराबर बी और ए इंटू ए डैश बराबर जीरो, तो बी इंटू बी डैश बराबर बी, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा ए इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा जीरो इंटू बी इंटू सी, क्लियर। ए इंटू ए डैश का हो गया जीरो और बी इंटू बी का हो गया बी और सी उतर आया। अब सेकेंड नंबर वाले पे ए इंटू ए का हो जाएगा ए, बी इंटू बी डैश का हो जाएगा जीरो और सी डैश उतर आएगा। थर्ड नंबर वाले पे ए इंटू ए डैश का हो जाएगा जीरो इंटू बी इंटू सी। अब कह रहा है जीरो इंटू बी, अर्थात जीरो का किसी भी वेरिएबल के साथ इंटू, तो क्या बन जाएगा जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, अर्थात जीरो इंटू ए बराबर जीरो। यहाँ पर एक कंडीशन और आती है जीरो इंटू सी डैश, चलिए इसको देख लेते हैं। जीरो इंटू सी डैश बराबर क्या होगा, जीरो के लिए क्या रखेंगे इनपुट, इनपुट जीरो के लिए जीरो जीरो और सी एक इनपुट वेरिएबल है, तो सी के लिए सी ये एक स्विच टाइप में है तो इसको जीरो और एक अर्थात कंडीशन दिया। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकाल लेंगे सी डैश अर्थात सी का अपोजिट, तो जीरो का हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा जीरो। अब हम क्या निकाल लें, जीरो इंटू सी डैश, तो जीरो इंटू सी डैश क्या बन जाएगा, जीरो वाला कॉलम सबसे पहला और सी डैश वाला कॉलम थर्ड नंबर वाला इनका एंड गेट, तो जीरो वन का हो जाएगा जीरो और जीरो जीरो का हो जाएगा जीरो। इस पूरे कॉलम का मान जीरो वाले कॉलम के मान से मेल खा रहा है, इस प्रकार जीरो इंटू सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्लियर। चलिए तो जीरो इंटू बी इंटू सी का मान हो जाएगा जीरो प्लस ए इंटू जीरो इंटू सी डैश, इसका भी टोटल आ जाएगा जीरो और इसका भी टोटल आ जाएगा जीरो, टोटल कर देंगे तो ये जीरो के इक्वल है।
स्वीकार, ये भी सिंप्लीफाई हुआ। सिक्स नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम से, देखिए सिंप्लीफाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी इक्वल है कोष्ठक में ए प्लस सी इंटू कोष्ठक में बी प्लस सी इंटू कोष्ठक में ए प्लस डी इंटू कोष्ठक में बी प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड वाला हम पक्ष लेते हैं तो ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी ये हमने उतार लिया। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या ध्यान देना है कि एक किसी भी एंड गेट को हमें कि जो ए इंटू बी या सी इंटू डी दिए हैं एक को हमें क्या कर लेना है, एक वेरिएबल मान लेना है, अर्थात एक कोष्ठक में बंद कर लेना, तो एक वेरिएबल के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार ए इंटू बी को अर्थात इस नियम बंटन के नियम पर रख देना है, ए को एक वेरिएबल मान लेगा प्लस बी इंटू सी, तो ये इस प्रकार बन जाएगा ए इंटू बी को हमने एक वेरिएबल मान लिया ए इस उदाहरण के द्वारा, और प्लस सी इंटू डी को उधार लिया। अब बंटन का नियम क्या कह रहा है, बगल में लिखा है ब्लैक कलर से, ए प्लस बी इंटू सी अर्थात एक बार ऐड बी के साथ ए का और एक बार ऐड सी के साथ ए का, तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए इंटू बी प्लस डी। इस प्रकार ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए इंटू बी प्लस डी, क्लियर है। यहाँ पर क्या किया हमने, ये इस वेरिएबल का एक बार सी के साथ ऐड और एक बार डी के साथ ऐड, क्लियर, जैसा कि यहाँ पे बंटन का नियम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन में, अब इसे हम क्रम विनिमय नियम अर्थात ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के रूप में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा सी प्लस ए इंटू बी, क्लियर है। अगला वाला बन जाएगा डी प्लस ए इंटू बी, क्योंकि अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते तो ऊपर जो कोष्ठक के अंदर प्लस दिया है वहाँ पर कोष्ठक के अंदर इंटू आ जाएगा और कोष्ठक के बाहर यहाँ पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और कोष्ठक के अंदर ये इंटू हो जाएंगे। अगर हमने इसे चेंज कर लिया है तो सेम जैसा दे रहा है वैसा ही आएगा। चलिए देखते हैं, अब सेम वही फिर से C का एक बार ऐड A से, यहाँ पर C का ऐड एक बार A से और C का ऐड एक बार B से, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू C प्लस A इंटू सी प्लस बी पहले वाले का, और दूसरे वाले का बन जाएगा D प्लस A इंटू डी प्लस बी। अब फिर से उसी नियम को हम फॉलो कर देंगे, क्रम विनिमय नियम, A प्लस बी बराबर बी प्लस A, तो इसका हो जाएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू डी ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, प्रूफ हुआ। चलिए अब आगे नई हेडिंग पे चलते हैं, सिंबल डायग्राम ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन अर्थात बुलियन एक्सप्रेशन का सिंबल डायग्राम क्रिएट करना। पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। गेट ध्यान रखना है हमको, हमने जो लॉजिक गेट पढ़े तीन, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तो एंड गेट में कैसा साइन बनता है उसका सिंबल डायग्राम डी के साइन जैसा, ये इस प्रकार देखिए, ठीक है। और गेट का साइन कैसा बन जाएगा, और गेट में कर्व लाइन आ जाती है पहले और सेम ये ऐसे बन जाता है, सॉरी ये कर्व लाइन आ गई और ये हमने बना दिया और गेट। इसके बाद जो नॉट गेट है वो कैसा है, नॉट गेट बताया था एक ट्रायंगल और एक सर्कल, या नैंड गेट और नॉट गेट हम कैसे क्रिएट करते हैं, एंड गेट के आगे नॉट गेट कनेक्ट कर दें और गेट के आगे नॉट गेट कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगा नॉर और नैंड गेट, या एक सर्कल लगा दें केवल यहीं पर तो ये भी नॉर गेट और नैंड गेट के इक्वल मान लिया जाता है या होता है, अर्थात ये इस प्रकार ये हो गया नैंड गेट और ये हो गया आपका नॉर गेट। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है ए डैश, तो ए डैश क्या होता है, केवल यही होता है ए और इसका पूरक अर्थात ए डैश, इसे ध्यान रखना है, बस हो गया। चलिए ए इंटू बी और
ए इंटू सी, कुल कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी, तो हमने तीन वेरिएबल लिख लिए। सबसे पहले हम एंड गेट ड्रॉ करेंगे ए और बी का, ए इंटू बी कह रहा है तो ए से इनपुट और बी से इनपुट, ए और बी का कौन सा गेट, एंड गेट, एंड गेट का साइन डी के साइन जैसा, क्लियर है। यहाँ क्या बन गया, ए इंटू बी बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम ए इंटू सी बना लेंगे, तो एक ए से लाइन लेकर के आए और एक सी से लाइन निकाल लिया, ए और सी का कौन सा गेट है, इंटू लगा है एंड गेट, तो यहाँ पर एंड गेट का साइन क्रिएट कर दिया, इतना आ गया। चलिए दो गेट एंड गेट हो गए, ए इंटू बी का और ए इंटू सी का, तो यहाँ दूसरा वाला जो गेट बन गया ये कौन सा बन गया, ए इंटू सी। अब हमें क्या करना है, ए इंटू बी वाला गेट अर्थात ये और ए इंटू सी वाला गेट ये, इन दोनों को किस गेट से कनेक्ट कर देना है, बीच में कौन सा साइन बना है, प्लस का, अर्थात और गेट के साइन से कनेक्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा, इन दोनों से एक इनपुट लेकर के आए और इसे और गेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया क्या, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, अर्थात ए इंटू बी को और ए इंटू सी को और गेट से कनेक्ट कर दिया। अगला एग्जांपल देखिए, ए इंटू बी का होल डैश प्लस सी का होल डैश, ध्यान से देखिएगा, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये और ये वाला, ध्यान दीजिएगा, इसे हम इस प्रकार भी ले सकते हैं और जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल के लिए हमने तीनों नाम लिख लिए। सबसे पहले हम a इंटू बी का होल डैश, तो a इंटू बी का होल डैश कौन सा गेट है, a इंटू बी का होल डैश कौन सा गेट है, नैंड गेट, अर्थात एंड और नॉट गेट से मिलकर के बना नैंड गेट, यही है ना a इंटू बी का होल डैश। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले a और b से एंड गेट और फिर आगे नॉट गेट जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट, अर्थात a इंटू बी का होल डैश। अब क्या करेंगे, अब हम इसके आउटपुट के रूप में जो एक लाइन निकली और एक सी से एक इनपुट लाइन ले जाएंगे, इन दोनों को और गेट से कनेक्ट कर देंगे, बीच में लिखा है ना प्लस का साइन लगा है, ए इंटू बी का होल डैश प्लस, अर्थात और गेट से कनेक्ट है कौन सा वेरिएबल, सी वेरिएबल, तो इसको हमने और गेट से कनेक्ट कर दिया। और क्या लिखा है, सबसे लास्ट में भी डैश लगा है, पूरे का डैश, तो इसके बाद एक सर्कल लगा दिया और एरो निकाल दिया आउटपुट के लिए, तो ये बन गया a इंटू बी का होल डैश प्लस सी का होल डैश। चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, कोई क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, a इंटू बी प्लस ए डैश इंटू सी डैश प्लस बी डैश इंटू सी, कुल कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल, तो तीन वेरिएबल हमने ये लिख लिए। अब यहाँ पर जो हम सिंबल डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा अलग है, बाकी सिंबल डायग्राम सभी वैसे ही बनेंगे, तरीका थोड़ा मैं अलग बता रहा हूँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिखाई देने को मिलते हैं, इसलिए कभी ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये तरीका कैसा है या ये सिंबल डायग्राम क्या कोई अलग है, तो सभी सिंबल डायग्राम सेम तरीके से बनाए जाते हैं, तरीका थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमने ए बी सी देखिए ऊपर लिया है, ए बी सी से तीन लाइन खींच ली इनपुट के लिए, अब हम ए और बी का एंड गेट क्रिएट करेंगे, तो एक ए से लाइन ले गए और एक बी से लाइन ले गए, ये समझ आ रही है लाइन ना, ए से लाइन ले गए और एक बी से लाइन ले गए, ए और बी का कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो हम एंड गेट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ए और बी का, ठीक। इसके बाद ए डैश इंटू सी डैश, ए डैश अर्थात ए डैश कौन सा गेट, नॉट गेट, सी डैश कौन सा गेट है, नॉट गेट, तो ए डैश में नॉट गेट ड्रॉ कर, तो यहाँ वहाँ पर बन गया था ए इंटू बी, अब हम ए डैश अर्थात नॉट गेट, इसी प्रकार सी डैश नॉट गेट को भी ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों नॉट गेट हैं, ए डैश और सी डैश। अब ए डैश और सी डैश ये दोनों किस गेट से कनेक्ट हैं, इंटू लगा है बीच में ना, यहाँ पर ये इंटू लगा है, तो ये इंटू कौन सा गेट, एंड गेट, तो इसे हम एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे, इस प्रकार बन गया ए डैश इंटू सी डैश, यहाँ पर क्या बन गया ए डैश इंटू सी डैश। अब तीसरा जो कह रहा है कोष्ठक में मान दिया है बी डैश इंटू सी, बी कौन सा गेट है, नॉट गेट है,
बी को नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया, फिर सी एक इनपुट लेकर के आए इनपुट लाइन सी से, और इन दोनों में कौन सा गेट है, एंड गेट, तो बी डैश और सी वेरिएबल को एंड गेट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बन गया, बी डैश इंटू सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए इंटू बी अर्थात ये वाला एक्सप्रेशन या लॉजिक, ए इंटू सी, ए डैश इंटू सी डैश अर्थात ये वाला तर्क, दोनों किससे कनेक्ट हैं, और गेट से, तो इन दोनों का और गेट ड्रॉ कर लें और आगे आउटपुट के रूप में ले जा करके इन दोनों का और गेट ड्रॉ कर लें इसके लिए, या हम एक इस प्रकार की प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए तीनों गेट से जो ए इंटू बी दिया है, ए डैश इंटू सी डैश दिया है और बी डैश इंटू सी दिया है, इन तीनों के आउटपुट को इनपुट रूप में निकाल करके तीनों को और गेट से कनेक्ट कर दें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसा कि मैंने और गेट में बताया था, या आप लोगों ने और गेट की डेफिनेशन और एंड गेट की डेफिनेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इस गेट में दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल होते हैं, तो दो तो कॉमन है, दो तो होने ही है, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तीन चार पाँच। यहाँ पर हमने कितने इनपुट वेरिएबल लिए हैं, ये देखिए तीन, एक दो और ये तीन, ये तीन इनपुट वेरिएबल तीनों को किससे कनेक्ट कर दिया, और गेट से कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया लास्ट में ए इंटू बी प्लस ए डैश इंटू सी डैश प्लस बी डैश इंटू सी। अगला चौथा एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल है ए प्लस बी डैश इंटू बी प्लस सी का होल डैश का होल डैश, अर्थात मैं फिर से बता दूँ एक बार इसे लेकर के, ए प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी का होल बार का होल बार, ये ऐसे लिखा है, ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है। मैंने बताया था नॉट गेट में दो चिन्ह होते हैं, ये डैश का और बार का, दोनों ही नॉट गेट के चिन्ह हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने वेरिएबल यहाँ देख लेंगे, तीन इनपुट वेरिएबल हैं ए बी और सी। सबसे पहले हम बनाएंगे ए प्लस बी डैश, तो ए साधारण इनपुट वेरिएबल इनपुट लाइन और बी नॉट गेट है, तो बी में बना दिया नॉट गेट। अब ए और बी डैश को किससे जोड़ देंगे, और गेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बी और सी का और गेट क्रिएट कर लेंगे, बी और सी से और गेट अर्थात और का चिन्ह क्रिएट कर दिया, इनका होल कॉम्प्लीमेंट अर्थात बी प्लस सी का होल डैश क्या कह रहा है, नॉर गेट। नॉर गेट पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल डैश, यहां पर हमें क्रिएट करना है क्या, बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके और गेट क्या कि नॉट गेट का चिन्ह जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, ये बी प्लस सी का होल डैश बन गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों गेट को से निकले आउटपुट को इनपुट मानकर इनटू चिन्ह अर्थात एंड गेट के सिंबल डायग्राम से कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और सबसे लास्ट में आगे क्या जोड़ देंगे, इनका होल डैश पूछ कह रहा था, तो होल डैश के लिए नॉट गेट का चिन्ह ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का डैश प्लस बी प्लस सी का होल डैश का होल डैश। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है और बूलियन बीजगणित ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। बूलियन बीजगणित में हमने चार पार्ट को पढ़ा। धन्यवाद।